देखिए यहां से हम शुरू कर रहे हैं पार्शियल वेव मेथड। तो पार्शियल वेव मेथड आपके पास में क्या है? पार्शियल वेव मेथड एक तरीके से एक एनालिसिस मेथड है जो कि अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इन सम स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन। इन दिस सिचुएशन पार्शियल वेव मेथड इज वेरी यूजफुल। यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पर सॉल्यूशन एग्जैक्ट आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है, देन इस केस में पार्शियल वेव मेथड जो है वो आपके पास में यूजफुल मेथड रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स जो पोजिशन और मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको आप एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम जो है पोजिशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को लिया, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और यहाँ पर आर और पी को जो आप डिटरमाइन कर सकते हो एक्यूरेटली इन क्लासिकल मैकेनिक्स, लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स जो है आप इसको एक्यूरेटली जो है साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल वेव मेथड एनालिसिस हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत दे रहे हैं कि जो कंडीशन है वो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है एल, इसके लिए यहाँ पर हम कंडीशन ले रहे हैं। तो कंडीशन ये है कि आपके पास में ये वाली जो आपके पास में इक्वेशन है वो कंडीशन है इसकी। देखिए एच कट स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ए नॉट पी। ए नॉट क्या है यहाँ पर? ए नॉट है यहाँ पर पोटेंशियल स्ट्रेंथ। ए नॉट क्या है? पोटेंशियल स्ट्रेंथ है। के क्या है? के है वी वेक्टर है, और एल क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आप मोमेंटम की वैल्यू पुट करते हो एच कट एंड वेव वेक्टर का जो मल्टीप्लाई है ये वाली वैल्यू अगर पुट करते हो तो यहाँ देखिए एच कट से एच कट कैंसिल हो रहा है और फिर हमें ये वाला जो है इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने कंडीशन ली कि एल जो है बहुत बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है, तो इस केस में एल स्क्वायर क्या होगा? एल से बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लार्ज वैल्यू होगी। तो इस केस में हमने यहाँ पर इस वाले एल को क्या कर दिया? यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने पर यहाँ पर ओनली एल स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास में रिमेनिंग रहेगी, और ऐसा करने पर ये एल हो जाएगा। एल इज लेस देन इक्वल टू ए नॉट के, यानी कि पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड जो है ये ओनली एप्लीकेबल है लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए। ये वाली टर्म जो हमको हमेशा ध्यान रखनी है, लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए ही क्या है पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे देखिए बिफोर स्कैटरिंग हम टाइम जो है नेगेटिव इन्फिनिटी यूज करेंगे जिसको हम पास्ट कहेंगे, एट टाइम स्कैटरिंग हम टाइम जो है जीरो यूज लेंगे जिसको हम प्रेजेंट कहेंगे, और आफ्टर स्कैटरिंग हम टाइम जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी यूज मिलेंगे जिसे हम फ्यूचर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हमने एक इंसिडेंट क्रिएट किया है कि ये एक इंसिडेंट बीम है जो कि जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई बिफोर स्कैटरिंग, और ये क्या कर रहे हैं टारगेट पार्टिकल पर जो है टारगेट हो रहे हैं। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एट स्कैटरिंग, यानी कि प्रेजेंट टाइम में स्कैटरिंग की सिचुएशन ये यहाँ पर है, और उसके बाद में पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं स्कैटर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका इस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है जिसको हम दिख रहे हैं यहाँ पर एफ थीटा फाई, और इसी एफ थीटा फाई फंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ पर अजम्पशंस लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बिफोर स्कैटरिंग की। ठीक है, तो बिफोर स्कैटरिंग के लिए देखिए कैसी सिचुएशन रहेगी। हम यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन यूज में ले रहे हैं, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन यूज कर रहे हैं, देन नेगेटिव ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू म्यू। देखो म्यू यहाँ पर आपके पास में क्या है? रिड्यूस्ड मास है। जब आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो आप क्या लोगे? रिड्यूस्ड मास लोगे यहाँ पर। ठीक है, डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा प्लस पोटेंशियल आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ई साइन। ये हमारे पास में क्या है? ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। नाउ देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहां पर बिफोर स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं तो बिफोर स्कैटरिंग के लिए हमने टाइम को क्या बताया था? टाइम को हमने बताया था नेगेटिव इन्फिनिटी। तो बिफोर स्कैटरिंग के लिए हम टाइम के लेंगे यहां पर नेगेटिव इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, और पोटेंशियल यहां पर क्या होगा हमारे पास में? जब भी आप इन्फिनिटी पे जो आपके पास में बात करते हो तो हमने आपने जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन वाली कंडीशन पढ़ी होगी कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए जब भी आप कंडीशन आपके पास में पोजिशन या फिर टाइम वाली कंडीशन जब भी इन्फिनिटी होगी
कि आपके पास में पोजीशन इन्फिनिटी हो या फिर टाइम इन्फिनिटी हो। इस केस में देखिए इन्फिनिटी यहाँ पर नेगेटिव में है तो बात एक ही है वो, तो इस केस में आपके पास में पोटेंशियल वाला जो केस लोगे आप जीरो लोगे, कि हम मानते ना हमेशा, जैसे आप पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या देते हो, किसी विभव की डेफिनेशन क्या देते हो आप, कि अनंत से जब आप कोई चार्ज लाते हो तो अनंत पर हम क्या मानते हैं, अनंत पर हम क्या मानते हैं, विभव का मान जीरो मानते हैं। तो वैसा ही कुछ है कि आप आर इन्फिनिटी या फिर टी इन्फिनिटी पर क्या मानोगे, पोटेंशियल को जीरो सपोज करोगे। तो यहां पर पोटेंशियल जो है वी आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम जीरो ले लेंगे तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू म्यू डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू ई साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टू म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर साइन। ठीक है, तो अब देखिए इस डेल स्क्वायर को अगर आप ओपन कर देते हैं तो यहां पर मैं ओनली जेड वाली टर्म को ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ओनली जेड वाली टर्म को ओपन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इंसिडेंट बीम जो मैंने है जेड डायरेक्शन में सपोज किया है, तो यहां पर फंक्शन में चेंज जो है वो ओनली जेड डायरेक्शन के अलोंग ही आएगा। तो x और y डायरेक्शन के अलोंग हम ये मान के चल रहे हैं कि जो चेंज है वो जीरो है, तो यहाँ पर वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, या फिर चेंज नहीं हुआ तो कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास में साइन जो आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा टू म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने साइन को कॉमन ले लिया है इस तरीके से। ठीक है, नाउ देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर अजम्पशन ले रहे हैं, जैसे कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी में भी किया होगा ये वाला अजम्पशन, कि मैं यहाँ पर इसे सपोज कर रहा हूँ लेट जो सॉरी यहाँ पर ई वाली टर्म जो है हमारे से मिस हो गई शायद, ये यहाँ पर ई भी है, ये ई भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, टू म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर एंड ई, ये वाली टर्म को जो हम यहाँ पर मान रहे हैं के स्क्वायर। ऐसा ही कुछ काम आपने जो है क्वांटम मैकेनिक्स में भी किया होगा, जब आपने पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल बेरियर वाली जो क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व किया होगा। तो यहाँ भी देखिए ये हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, क्या देखिए इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, हम लेट कर रहे हैं यहाँ पर कि जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है वो हमारे पास में क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड है, एक सबसे सिंपलेस्ट जो हमने यहाँ पर वेव फंक्शन सपोज कर लिया है। तो एक तो देखिए इसको आप इक्वेशन, जैसे मान लीजिए इक्वेशन इसको ए दे दीजिए या वन दे दीजिए, वन दे दे रहा हूँ मैं इसको, और इसको इक्वेशन हम दो दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अगर आप पॉजिटिव जो है डायरेक्शन में, अगर एक्स डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर क्या लेंगे, इफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर है इंसिडेंट वेव फंक्शन, तो हो जाएगा ये एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स। ठीक है, और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये साइन इन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के एक्स। नाउ दिस इंसिडेंट वेव फंक्शन इज गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, आप देख पा रहे हो कि हमारा जो वेव फंक्शन था वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमने लिया था, पॉजिटिव जेड में लिया था हमने, पॉजिटिव पॉजिटिव जेड में ले लीजिए, इसे पॉजिटिव जेड लेंगे हम, एक्स नहीं हमने गलत कर लिया यहाँ पर, अब जेड कीजिए इसे, जेड कर लेंगे इसे। ठीक है, हमने ऊपर जेड लिया था ना, सभी जगह जेड कर लो, सभी जगह जेड आएगा यहाँ। ठीक है,
ये गलती से हो गया, वो ध्यान नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मली एक्स में रहता है तो हम एक्स एक्स ही करते हैं, बट यहाँ आपने ऊपर जेड लिया था तो आपको जेड लेना है। ठीक है, नाउ देखिए हम यहाँ पर कंडीशन ले रहे हैं, सेकेंड कंडीशन, एट स्कैटरिंग टाइम, एट स्कैटरिंग टाइम, जब स्कैटरिंग हो रही है देन उस केस में हम यहाँ पर टी क्या रहते हैं, जीरो लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी श्रोडिंगर इक्वेशन, नेगेटिव एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू म्यू एंड डेल स्क्वायर प्लस वी आर साइन इज इक्वल टू ई साइन। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में टाइम क्या है, जीरो है, तो पहले जैसे कंडीशन बनी नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे थर्ड, आफ्टर स्कैटरिंग की बात करेंगे हम यहाँ पर, आफ्टर स्कैटरिंग के लिए देखिए हम आफ्टर स्कैटरिंग के लिए यहाँ पर फिर से वही टाइम को क्या लेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी लेंगे, टाइम पॉजिटिव इन्फिनिटी लेंगे तो पोटेंशियल को क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाएगी क्या बन जाएगी, श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी यहाँ पर नेगेटिव ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू म्यू डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू ई साइन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी पहले जैसी। ठीक है, अब देखिए हमने पीछे की तरफ जो है हमने एक वेव फंक्शन लेकर एक डेरिवेशन किया था, वो अब यहाँ पर तो इसमें है नहीं क्योंकि वो मेरे पहले वाले लैपटॉप में था, तो मैंने आपको बताया था एक दिन की थोड़ा इशू हो गया था स्क्रीन का, तो यहाँ पर तो है नहीं, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, कुछ इक्वेशन कुछ ऐसी थी, हमने फंक्शन निकाला था एफ थीटा फाई अपॉन आर इस तरीके से, या तो आप इसको उसके जैसा ही है या फिर यहाँ पर मोर स्क्वायर होगा, अगर अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मोर स्क्वायर यहाँ पर होगा, पर दिखने में ऐसा ही होगा, बिल्कुल लगभग लगभग ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल स्कैटरिंग जो वेव आपके पास में क्या हो जाएगा, टोटल स्कैटरिंग वेव फंक्शन ये हो जाएगा इंसिडेंट वेव फंक्शन, और स्कैटर्ड आपके पास में पार्टिकल का जो वेव फंक्शन इसको स्कैटर्ड का ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लिया है, एफ्टा फाइव लिया, एफ्टा फाइव कब आता है, एफ्टा फाइव आपके पास में आता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, तो ये आफ्टर स्कैटरिंग आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आफ्टर स्कैटरिंग यानी ये वाला वेव फंक्शन और इंसिडेंट जो हमने ऊपर लिखा है इंसिडेंट वाले केस के लिए यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसको हम यहां पर काम में ले लेंगे। तो टोटल स्कैटरिंग वेव फंक्शन क्या हो जाएगा यहां पर, साइन टोटल इज इक्वल टू साइन इन प्लस साइन स्कैटर्ड। ठीक है,